अगर खुद को थोड़ा और फैशनेबल बनाना है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। ज्यादा नहीं, आज से 4-5 साल पहले हेयर केयर नाम का कोई वर्ड भी होता है ये भी मुझे नहीं पता था। बालों के साथ कुछ भी किया जा रहा था यार, कोई भी शैम्पू, केमिकल प्रोडक्ट्स और हेयर कंडीशनर तो सिर्फ लड़कियां यूज करती हैं, मेरी उस समय की थिंकिंग थी, जिसका जिसका नतीजा आज मेरे बालों पे दिख रहा है। हेयर फॉल स्टार्ट हो गया यार, हेयर थिन हो रहे हैं। ब्रो आई लव लॉन्ग हेयर्स और मैं रखना भी चाहता हूँ यार, बट अब शायद मुझे अपने बालों को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। और उस समय मुझे कोई बताने वाला भी तो नहीं था, ना मेरे पास काजी भाई थे, ना अपना चैनल फैशन वाला यार स्टार्ट हुआ था, पर आपके पास तो दोनों हैं। नहीं नहीं ये गलतियाँ मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। और क्या आप मोहल्ले के सबसे सेक्सी पर्सनालिटी वाले बंदे से चाचा चंपक लाल बनना पसंद करेंगे? मुझे मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो फिर ये वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट 5 biggest हेयर मिस्टेक्स जो मैंने की और शायद अधिकतर शख्स करते होंगे, और यही मिस्टेक्स उनके आगे चलकर बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स का कारण भी बनती हैं। तो प्लीज यार एक भी मत मिस करना, ठीक है? हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैशन वाला यार। माय नेम इज नितेश। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड बी ए मेंबर ऑफ आवर फैशन वाला यार फैमिली। डव, पैंटीन, क्लिनिक प्लस, ये बहुत ज्यादा अच्छे शैम्पू। अगर भाई आपको ऐसा लगता है तो मेरे भाई सो सॉरी टू से यू आर रॉन्ग, दीज आर वॉश्ड यार। भाई अगर आपकी खेती का आज उजड़ा चमन बन चुका है तो भाई मैं आपको बता दूं, दीस आर द बिगेस्ट कॉज माई ब्रो। तो इन केमिकल शैम्पू को यूज करने के बजाय नेचुरल और केमिकल फ्री शैम्पू यूज करो ना यार। सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन, ये 3 इंग्रेडिएंट वाले शैम्पू को हमेशा अवॉइड करो। आप ये शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, ये पूरी तरह से नेचुरल है और केमिकल फ्री भी है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर चेक कर लीजिए। चाहे हेयर ड्रायर हो, हेयर स्ट्रेटनर हो, कर्लिंग आयरन हो या फिर सन एक्सपोजर, सभी का यूज अगर हद में होना तभी अच्छा लगता है, और अगर ना हो भैया तो इससे अच्छी खुशखबरी आपके बालों के लिए हो ही नहीं सकती। एक्सेसिव हीट से आपके बाल ड्राई, थिन, रफ और डल होने लगते हैं, और कुछ ही दिनों में बाल टूटने भी लगते हैं एंड हेयर फॉल स्टार्ट्स। इफ यू आर यूजिंग एनी हीटेड स्टाइलिंग टूल लाइक हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, तो फिर इनका यूज करने से पहले हेयर सीरम का यूज करें भैया, और महीने में इनका 1-2 बार से ज्यादा यूज करना अपने बालों का खुद मर्डर करने के बराबर है। और ये जो तुम कभी भी धूप लेने के लिए सूरज चचा के सामने चले जाते हो ना भाई, उड़ जाएंगे समझे। सिर्फ सुबह और शाम की धूप तुम्हारे बालों के लिए अच्छी होती है, ठीक है? ये वो गलती है जो मैंने सबसे ज्यादा की है, और मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर बंदे इसे करते होंगे और करते हैं भी यार। और जब मेरे जैसा बंदा इसे सुधार सकता है तो आप क्यों नहीं यार। आपको गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करनी है, क्योंकि उस समय हमारे यार बहुत ज्यादा वीक होते हैं, और गीले बालों में कंघी करने से हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, तो इसे जितना हो सके अवॉइड करें। और अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं तो हमेशा उनको कॉम करने के लिए आपको वाइट टूथ कॉम का यूज करना चाहिए। वैसे हमारा अगला पॉइंट भी इससे कुछ मिलता जुलता ही है। कुछ लोग तो अपने बालों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनके नहीं, उनकी एक्स के बाल। भाई सपने से बाहर निकलो यार, वो आप ही के बाल, उसने तो आपको बर्बादी कर दिया है, अब आप भी बर्बाद करोगे तो कैसे चलेगा यार। भाई जब आप किसी के साथ प्यार से पेश आएंगे तभी तो वो आपके साथ सालों साल रहेंगे, फिर चाहे वो आपके बाल हो या फिर आपकी माशूका ही क्यों ना हो। देखो मैं कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, मेरी इन बातों का सिर्फ एक ही मोटिव है कि अपने बालों के साथ प्यार से पेश आए, फिर चाहे वो आपके बालों को सुखाते वक्त हो या अपने बालों में कंघी करते वक्त, ठीक है ना। सेट वेट हेयर जेल और MG5 हेयर वैक्स, ये दोनों सबसे सस्ते और सबसे वाहियात प्रोडक्ट हैं जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में यूज किया है, और शायद आपने भी किया होगा।
और भाई मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो 5-10 बचाने की आदत तो रहेगी, लेकिन इन 5-10 के चक्कर में आज मेरे बाल जाने की नौबत आ गई है यार। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन वगैरह में बहुत पैसा लगता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा केमिकल प्रोडक्ट से दूर रहें और हमेशा ही सेफ और केमिकल फ्री हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट का ही यूज़ करें, पर वो भी ज़्यादा नहीं यार। और क्या आपको हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट पे कोई वीडियो चाहिए या आप अपने मेरे साथ दिल के जज्बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो भाई अगर आप इनमें से कोई एक भी गलती अगर करते हो तो प्लीज़ स्टॉप इट नाउ, और अगर नहीं करते हो तो मतलब गजब हो यार तुम। और अब मेरा काम तो हो गया यार, अब आपकी बारी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि YouTube चाचा इस वीडियो को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। और अगर इस छोटे से यूट्यूबर की आपकी सच में मेहनत कुछ दिख रही हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। भाई अगर आपको कोई भी हेयर प्रॉब्लम हो, जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ भी, या फिर अलग कोई परेशानी हो, तो आप मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा पे मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई स्टूडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, सायोनारा।